गुड आफ्टरनून। इससे पहले वाली क्लास में ज्योग्राफी में कहाँ तक बताया था? संगणन के प्रकार बताया था, संगणन के प्रकार में कोहरा तक बता दिया। ज्योग्राफी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूगोल। ठीक है, संगणन के प्रकार में कार में कहां तक पढ़ाया था? कोहरा तक बता दिया था। कोहरा के बाद लिखो धुंध। धुंध भी कोहरा जैसे होता है, कोहरा जैसे होता है लेकिन साफ होता है। कोहरे में दिखाई नहीं पड़ता, धुंध में दिखाई पड़ता है। कोहरा जैसा ही लेकिन साफ दिखता है। आ रहा समझ में? फिर लिखो ओलावृष्टि। ओलावृष्टि में हिमपात। हिमपात, हिमपात पहाड़ों पे, पहाड़ों पे ठंड के समय। ध्यान से सुनना, एक तो ठंड हो रही है, ठीक है, और दूसरा एक तो ठंड हो रही है, दूसरा जाड़ा भी हो रहा है। हाँ, ठंड के समय और दूसरा बारिश, दूसरा बारिश का भी समय, बारिश का भी समय, बारिश का भी समय। बारिश के समय में तो बारिश होगी ना। अब ये पहाड़ पे अगर तुम जाओगे घूमने, पहाड़ों पे घूमने जाओगे तो पहाड़ों पे नीचे जाओगे धरती के कि ऊपर जाते हो? ऊपर जाओगे ना क्षोभ मंडल में, तो तापमान घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। और जब तुम ऊपर पहुंच गए, यहाँ पे खड़े हुए और ऊपर बादल भी बन गए, टेम्परेचर भी कितना हो गया? -0 डिग्री टेम्परेचर है और बारिश भी होने वाली है। बारिश ऊपर से जैसे ही बूंद आएगी, ये बीच में क्या बन जाएगी? बर्फ। लेकिन ये वैसी बात नहीं होगी कि सिर फट जाए तुम्हारे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हिमपात, बर्फ का पत्ता होगा। एकदम तुमको लगेगा जैसे छोटी छोटी पत्तियां गिर रही हैं बर्फ की। कई सारी मूवीज में देखा होगा, कई सारी मूवीज में देखा होगा ऊपर से क्या गिरता है, पत्तियों जैसा बर्फ गिरता है, उसी को क्या बोलते हैं? हिमपात बोलते हैं। क्लियर हुआ? अभी डालो वर्षा के प्रकार। संगणन के प्रकार हो गया, वर्षा के प्रकार। देख लो, पहली जो वर्षा का प्रकार है वो है संवहनीय वर्षा, पहला प्रकार। इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल रेन। कन्वेंशनल रेन में देखना क्या होता है, ये पूरी दुनिया जो होती है ना, पूरी दुनिया बताइए, ग्लोब बताए, ग्लोब में 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में होता है कन्वेंशनल रेन। सूर्यताप, सूर्यताप के कारण समुद्र में क्या होगा? गर्म ज्यादा हो जाएगी। जब गर्म ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। वाष्पीकरण जैसे ही ज्यादा होगा, ऊपर जाके संघनन भी ज्यादा। संघनन ज्यादा होगा तो बादल का निर्माण ज्यादा। बादल का निर्माण ज्यादा तो वर्षा भी ज्यादा। ध्यान से सुनना, एक ऐसी वर्षा यहां पे हमने समुद्र बना दिया, ये समुद्र है, ठीक है। ध्यान से सुनो, इधर है क्या? सनलाइट। जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो ये समुद्र ठंडा होगा कि गर्म होगा? गर्म होगा ना, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई। इसकी जो सतह में पानी है, ये देखो सतह का पानी, ये सतह का पानी कैसा हो जाएगा? वार्म।
और ये कैसे ऊपर की तरफ वाष्प बन के उठेगा, ऊपर की तरफ वाष्प बन के उठेगा और क्या बन जाएगा, बादल। और ये हल्का आगे बढ़ेगा, ध्यान से सुनो, और क्या कर देगा, ये वाली वर्षा समझ में आ रही। इसको समझना क्या है, देखो जहां से पानी उठा है ये पानी गया और ये पानी आ भी गया, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल, आया ना समझ में। दूसरा प्रकार डालो, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ये कन्वेंशनल वर्षा कहां पे होती है, इस पूरे ग्लोब में, ये हो गया ना 0 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ इस एरिया में, ठीक है। अब डालो पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल, दिख रहा है ना, लिखा हुआ है नाम में पर्वतीय वर्षा, मतलब कोई ना कोई इसका रोल होगा, किसका, पर्वतों का रोल होगा ना, पर्वतों का रोल। देखो बना देते थे, ये बना दिए पर्वत। रेनफॉल होने के लिए क्या जरूरी है कि क्या हो, वाष्पीकरण हो, है ना जरूरी, वाष्पीकरण होना जरूरी है, लेकिन सागर में जहां पे पानी है वहां पे वाष्पीकरण होना जरूरी है, समझ में आ रहा है। इसके साइड में पानी है, देखो इसके साइड में सागर है, यहां से गर्म पवनों ने क्या उठाया, पानी उठा के आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, क्या मिल गया, तो अवरोध मिल गया, अवरोध कौन मिला, पर्वत अवरोध के रूप में मिल गया। जब ये पर्वत इनके लिए अवरोध बना तो इन्होंने इनको अवरोध ना समझ के सीढ़ी समझ लिया, सीढ़ी नहीं जो लैडर होते जिन पे चढ़ा जाता है, ये जो आद्र पवने हैं ये जब ऊपर जाएंगी या तो ये वाष्पीकरण के द्वारा ऐसे ऊपर चली जाती तो ये बादल बन जाता, ठीक है, लेकिन आगे जब थोड़ा आगे बढ़ी तो इनको क्या मिल गया, पर्वत मिल गया, समझ में आ रहा है। और इस पर्वत को क्या, पर्वत पे टकरा टकरा के ऐसे टकरा गए, ऊपर बढ़ी, टकरा के ऊपर, टकरा के ऊपर, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा ना, फिर क्या होगा, संघनन हो जाएगा, और संघनन से क्या बनेंगे, बादल हो गया, बादल का निर्माण। ध्यान से सुनना, इस पर्वत को 20 से बांट दिया है, ये पश्चिमी साइड है, ये पूर्वी साइड है, पश्चिमी साइड में जहां पे बादल बने हैं वहीं पे तो ज्यादा वर्षा होगी ना, यहीं पे ज्यादा वर्षा हो गई, और ये जब बादल आगे बढ़े तो ये पानी क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, अब इनमें पानी नहीं है, सादे बादल हैं, ये क्या वर्षा करेंगे, क्या ये हल्की फुल्की वर्षा करेंगे, बहुत कम वर्षा करेंगे, ध्यान से सुनना। इसीलिए इस पश्चिमी साइड को, इस जिस पश्चिमी साइड में हो रही वर्षा, इसको वर्षीय क्षेत्र बोलेंगे, वर्षा वाला क्षेत्र, और इसको छाया वृष्टि क्षेत्र बोलेंगे, ये वाला कौन सा होगा, छाया वृष्टि, छाया वृष्टि क्षेत्र, आराम समझ में, ये हो गया छाया वृष्टि क्षेत्र। फिर देखना इसको और नाम क्या देते, इसको ये जो यहां पे पवन चल रही है ऐसे करके, जो पवन पहाड़ों से ऊपर की तरफ उठ रही है उसको बोलते पवन भिमुख, पवन भिमुख, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, पवन भिमुख का क्षेत्र। और जहां पे वो पवने सादी चल रही है और नीचे की तरफ गिर रही,
उसे, उसको बोलते हैं पवन विमुख। अब देखना इंडिया में भी क्या ऐसा होता है, देखो ध्यान से, इंडिया में समझाएं तब समझ में आएगा। ये नीचे का भाग बना है, देखो दिख रहा है, इधर क्या है, अरब सागर है ना, पश्चिम में अरब सागर, इधर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, इधर है बे ऑफ बंगाल, तीनों में पानी भरा हुआ है, सागर है तीनों, खूब पानी भरा हुआ है देखना। और इधर है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट इसका नाम है, लेकिन इस पश्चिमी घाट में बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ बना देते हैं ये ऐसे करके, पहाड़ बने हुए हैं। अब यहां सागर से उठाया पानी, जब सागर से उठा के ऊपर की तरफ चढ़ने लगी हवाएं, तो इन हवाओं को क्या बोलते हैं, पवन विमुख। तो बताओ भारत के किस क्षेत्र में पवन विमुख बनता है, पश्चिमी क्षेत्र है ना, पहाड़ों के पश्चिमी क्षेत्र में हमेशा क्या बनेगा, पवन विमुख। और ये पहाड़ का, ये पहाड़ बीच से बांट दिया, ये पूर्वी क्षेत्र है पहाड़ का, ध्यान से सुनना, इधर है मुंबई, इधर पड़ेगा क्या, मुंबई, अब इधर होगी वर्षा, मुंबई के क्षेत्र में बादल बने और मुंबई के क्षेत्र में वर्षा हो गई, लेकिन इधर पड़ता है क्या, पुणे, आगे की तरफ मुंबई से क्या है 106 किलोमीटर पुणे पड़ता है, पुणे जो आता है ये छाया वृष्टि क्षेत्र में आता है, छाया वृष्टि मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी लेकिन बारिश नहीं, मुंबई में जब झमाझम बारिश होती है तब पुणे में झमाझम बारिश नहीं होती, जबकि अगल बगल दोनों, किस कारण से, वो पश्चिमी साइड में पड़ जाता है, कौन पश्चिमी साइड में, मुंबई पश्चिमी साइड में, ये जो पहाड़ है इसके पश्चिमी साइड में मुंबई है, इसीलिए ज्यादा बारिश, पुणे क्या है पूर्वी साइड में इसीलिए कम बारिश, तो पुणे बताओ किस क्षेत्र में आएगा, छाया वृष्टि क्षेत्र में आएगा ना, छाया वृष्टि क्षेत्र में। और यहां कैसी पवन चलेगी, यहां चलेगी पवन विमुख, पुणे में कौन सी पवन चलेगी, पवन विमुख, दोनों आए समझ में, क्लियर हुआ, फिर डालो एडिंग, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा तीसरी, चक्रवाती वर्षा कैसे होगी, नाम में ही है चक्रवाती, मतलब विष्णु जी का चक्र देखा है ना, वैसा कुछ चक्र बनेगा इसमें, और ऊपर जाके वो चक्र क्या बना देगा, बादल और वर्षा होगी, आ रहा ना समझ में, ध्यान से सुनना, देखो जब हमने क्या पढ़ाई थी, पौने पढ़ाई थी ना, तब याद है ना, जीरो डिग्री, ये जीरो डिग्री, फिर क्या था 30 डिग्री पे बताया था, फिर हमने बताया था 60 डिग्री पे, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता था, हाई फिर लो, फिर यहाँ पे कैसा, हाई होता था ना, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता था वहां पे पवने ऊपर की तरफ उठती थी और नीचे जाके गिरती थी, आ रहा ना समझ में, और फिर उधर से इधर को चलती थी और इधर से
इधर को चलती थी। अब देखना ये जो पैटर्न चल रहा है, ये जो पैटर्न चल रहा है ये इधर इधर बनाए तो समझ नहीं आएगा। ऐसे ये पवन चल रही है और ये कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, दिख रहा है तुमको। अब ये एक दूसरे से टकराएंगी, देखना जैसे कभी कभी देखा है क्या इंजन वगैरह में एक दूसरे से बंधे होते, साइकिल में चैन देखी, चैन में जो जो जिसमें चैन फंसी होती चलती, वैसा कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा। ये दोनों एक ही में बंध के ऐसे ऊपर उठ जाएंगे चक्कर जैसा बना के, और ऊपर क्या बना देंगे बादल, फिर वर्षा होगा। इसी को क्या बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। ये जो दोनों मिल जाते हैं जहां पे दोनों टच होते हैं इसको क्या बोलते हैं वाताग्र, फ्रंटल जोन, वाताग्र या फ्रंटल जोन। फ्रंटल जोन बन रहा देखो, और इस फ्रंटल जोन से ऊपर की तरफ ये चक्र उठती जा रही है, ऊपर की तरफ जाएगी और बादल का निर्माण करेगी और वर्षा हो जाएगी, है ना, समझ में क्लियर हुआ। अब लिखो कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेनफॉल। आर्टिफिशियल रेनफॉल, आर्टिफिशियल कैसे, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेनफॉल। आर्टिफिशियल रेनफॉल कैसे होगी, पाइप ऐसे ऊपर नहीं दिखाएंगे, पाइप ऊपर दिखा दिया नीचे की तरफ लगे वर्षा नहीं होगी, वर्षा ही लेकिन मानो अपने तरीके से कराएगा। कैसे ये हो सकती वर्षा, देखना अगर कहीं आद्रता ग्राही केंद्र, कंडेंसेशन प्लेटफॉर्म क्या था याद करो, कंडेंसेशन प्लेटफॉर्म, कंडेंसेशन, कुर्सी चाहिए बूंद को बैठने के लिए, क्या चाहिए कुर्सी चाहिए, उस कुर्सी को क्या बोलते हैं जियोग्राफी वाले कंडेंसेशन प्लेटफॉर्म, या फिर हिंदी में आद्रग्राही केंद्र। आद्रग्राही केंद्र अगर मानव बना दे तब भी तो बूंदे बैठ जाएंगी और हो जाएगी ना वर्षा। ये आद्रग्राही केंद्र बना देंगे अपने हाथ से। आद्रग्राही केंद्र क्या थे हमने बताया था ना, डस्ट पार्टिकल, सॉलिड होनी चाहिए चीज, एक तो सॉलिड हो और एक ऊपर हो, ऊपर हो और सॉलिड हो, ठीक है, डस्ट पार्टिकल। और क्या बताया था साल्ट, कौन सी चीज ऊपर चली जाएगी अपने मन से, जो चीज हल्की होगी, लेकिन ये होगी कैसे सॉलिड, ध्यान रखना आद्रता ग्राही केंद्र हमेशा सॉलिड होगा। सॉलिड ही तो चेयर होती है, लिक्विड चेयर पे कौन बैठ पाएगा, लिक्विड चेयर देखिए, गैस की चेयर देखिए, नहीं देखिए, सॉलिड चेयर होती है। वैसे ये भी कौन सी चेयर होगी, सॉलिड चेयर होगी, और ये बनाएगा कौन, मानव बनाएगा। एक तो ये नमक जला के बनाई जा सकती है, ध्यान से सुनना, निकालना डस्ट पार्टिकल या फिर साल्ट, जब साल्ट जलाओगे तो उसमें से छोटे छोटे आइटम वो बहुत हल्के होते हैं ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाते हैं और जैसे इन्हें क्या इन्हें जैसे ही वाष्प देखती है वैसे ही इनपे बैठ जाती है, ये बूंदे इनपे बैठ जाती है। अब अगर नमक जला दिया जाए, ध्यान से सुनना, दिल्ली के स्टूडेंट ने नमक जला के बारिश कराई थी, दिल्ली के स्टूडेंट ने नमक जला के बारिश कराई थी, और कई बार अमेरिका वालों ने बारिश कराई, लेकिन एक बार अमेरिका ने किसकी बारिश कराई, क्या जला के कराया था, सिल्वर आयोडाइड, ये जो चांदी होती है इसको जला के करवाया था। लेकिन चांदी जलाना कितना महंगा है, नमक तो तीन चार बोरी, पांच बोरी, तीन चार कट्टी, दस कट्टी जला सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, अमीरों को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन चाहे जितना अमीर हो 10-20 किलो चांदी नहीं जला सकता, जला पाएगा नहीं जला पाएगा। इसीलिए सिल्वर आयोडाइड को जलाना पॉसिबल नहीं, महंगा पड़ता है, इसलिए बन जाएगा, हो जाएगी रेनफॉल, लेकिन जलाना पॉसिबल नहीं,
समझ में आ रहा है। लेकिन नमक जलाना पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल आराम से सस्ता मिल जाता है। नमक को क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं ना, ठीक है। NaCl ग्राउंड पे जलाया, NaCl ग्राउंड पे जलाया और वाष्पीकरण तो लगातार हुआ करता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, कभी केले का छिलका डाल दो, तुम केले का छिलका घर में डाल दो, दो दिन के बाद देखना केले का छिलका हरे से कैसा दिखेगा, पीले से कैसा दिखेगा, काला। जितना भी उसमें पानी है ना वो सब निकल जाएगा, किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा, गैस के द्वारा निकल के जैसे ऊपर जाएगा वैसे ही वो क्या बन जाएगा, लिक्विड पानी बन जाएगा। और ढूंढेगा, ढूंढेगा क्या, चेयर ढूंढेगा ना बैठने के लिए चेयर। और तुमने यहां पे नमक जला दिया, लगातार वाष्पीकरण हो रहा है। पेड़ों में जो वाष्पीकरण होता है स्टोमेटा के माध्यम से, जो पेड़ों से पानी को खींचा जाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, लगातार होता रहता है। लेकिन दोनों को क्या चाहिए, बैठने के लिए चेयर चाहिए। और चेयर कैसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, या तो सिल्वर की हो, चांदी की हो, चेयर अच्छी लगेगी चांदी की चेयर, और या फिर किसकी हो, नमक के पार्टिकल की हो। दिल्ली के स्टूडेंट ने चांदी नहीं जलाई, होशियारी दिखाई उसने, नमक के पार्टिकल जला दिए, 10 कट्टी नमक जलाया, ये सब खूब सारी चेयर बन गई। ऐसे करके लगातार खूब सारी चेयर बन गई, एक ही जगह पे जाके खूब सारी चेयर बना दी, और जितना भी वहां पे गैस में प्रेजेंट था पानी वो सब बैठ गया किसपे, चेयर पे बैठ गया। जब ये चेयर पे बैठ गया तो खिसक खिसक के आपस में कंडेंसेशन किया, जिससे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बूंदे बन गई। और ये जब बड़ी बूंद बनेगी ना थोड़ी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे से और ये नीचे गिर जाएंगे, तो हुई ना आर्टिफिशियल रेनफॉल। ये होती है आर्टिफिशियल रेनफॉल, आया समझ में। आद्रता ग्राही केंद्र मानव बना देता है, ऐसे ऐसे कैसे बनता है, ऐसे प्रकृति बनाती है। कुछ भी तुमने जलाया है ना, कुछ भी उड़ाया, उसमें से जो हल्का पार्टिकल्स है सॉलिड वाला वो ऊपर चला जाएगा, धीरे 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 वो चेयर बनती रहती। लेकिन मानव ने तुरंत 10-20 लाख चेयर बना दी एक ही जगह, तो वहीं पे या उससे थोड़ी दूरी पे क्या हो जाएगी, बारिश होगी, और वो बारिश कैसी कहलाती है, आर्टिफिशियल रेनफॉल। आया समझ में, इसको बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। इसमें आद्रता ग्राही केंद्र बनाना पड़ेगा, इसमें हमने पढ़ाया ना आद्रता ग्राही केंद्र। आद्रता ग्राही केंद्र क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड बन सकता है NaCl से, सिल्वर, आयोडाइड, और भी कई सारे हैं, और भी कई सारे लेकिन चैटिल हैं। ये सबसे सस्ता और टिकाऊ बैठता है NaCl, नमक से। नमक से कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है, सिल्वर आयोडाइड से कराई जा सकती है आराम से, क्योंकि वो जो ऊपर की तरफ वो जो भाप उड़ रहे हैं ना, वो जो गैस में पानी प्रेजेंट है वाष्प में, उसको बैठने की जगह अगर तुमने दिला दी, अगर बैठने को पा गया तो वो फिर धीरे धीरे व्यवहार बनाने लगता है दूसरे बूंदों से, और जब 2-3 बूंदे आपस में चिपक जाती तो वजन ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा वजन चीज हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे घसीट लेती है, और वो सब नीचे गिर जाते हैं। उन्हीं को जो ऊपर से आता हुआ पानी हमको दिखता है उसको क्या बोलते हैं, रेन पानी, आई ना कृत्रिम वर्षा, समझ में। अब डालो हेडिंग एयर मास, स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस 2017 में मेंस में पूछा गया था, व्हाट इज एयर मास एंड डिफाइन एयर मास एडवांटेज डिफाइन करने थे, ये सब पीसीएस के मेंस में आया था। पीसीएस बहुत बड़ा एग्जाम होता है यूपी पीसीएस का, उसके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से पढ़ना। एयर मास डालो, एयर मास को कहते हैं वायु राशि, हिंदी में बोलते हैं वायु राशि, बस अब ज्यादा नहीं बचा है क्लाइमेटोलॉजी। हमने कहा था ना क्लाइमेटोलॉजी में हमको पहुंचना कहां पे है, वर्षा पे, और वर्षा तक पहुंच गए। लिखो एयर मास,
एयर मास वायु राशियां लिखो। जब बड़ी मात्रा में वायु धरातल पे या महासागरों की सतह पर धरातल पे या महासागरों की सतह पर कुछ दिनों के लिए रुक जाती है या स्थिर हो जाती है। कई सारी मूवी देखी हनुमान जी की मूवी लिटिल हनुमान, कई सारी मूवी नहीं है हनुमान जी पे जो बनी हुई। तो जब वो क्या होता है उनको इंद्र भगवान क्या मार देते हैं वज्र का अस्त्र वगैरह मार देते हैं, तो फिर पवन भगवान क्या करते हैं सारी हवाएं रोक देते ना सारी हवाएं, लोग मरने लगते हैं। इसीलिए जितनी भी हवाएं सब गतिशील होती, जितने भी प्रकार की हवाएं सब गतिशील होती, इधर से उधर चलती रहती, लेकिन उसमें से ही कुछ हवा ऐसी होती है जो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। पवन भगवान ऊपर से मैसेज उनको नहीं प्रॉपर कर पाते, वो या तो महासागर पे कुछ समय के लिए घंटे दो घंटा तीन घंटा चार घंटे के लिए रुक जाती है, या फिर स्थल पे कभी कभी रुक जाती है, एक ही जगह पे रुक जाती है। तुमको लगेगा कि हवा चलनी बंद हो गई, एकदम ऑक्सीजन का लेवल बंद हो गया, हमारे चेहरे पे हवा ही नहीं लग रही, पतंग उड़ाओगे उड़ेगी नहीं। कभी पतंग वगैरह उड़ाई, जिस दिशा में हवा चलती उसी दिशा में पतंग उड़ती, कभी कभी पतंग नहीं उड़ती, लगता है हवा एकदम नहीं चल रही, पेड़ देखोगे एक पत्ती भी नहीं हिलेगी, देखा है कभी ऐसा? कई बार होता है ऐसा। जब एकदम स्थिर हो जाए हवा, वो सिर्फ स्थल पे स्थिर नहीं होती, वो सागरों पे भी स्थिर हो जाती, तो वो वहीं के गुण ले लेती, सागर के गुण ले लेती, स्थल पे होगी तो स्थल वाले गुण ले लेती। गुण समझते हो, बिहेवियर, वो वाला बिहेवियर आ जाता है। फिर से समझा दो, मान लो तुम यहां पे रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो इंडिया जैसे बोलचाल है, इंडिया जैसा कल्चर है। अगर तुम 10 साल के लिए अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका जैसा तुम्हारा सब सिस्टम हो जाएगा, पहनावा अमेरिका जैसा, थोड़ी थोड़ी ज्यादा ज्यादा इंग्लिश बोलने लगोगे, है ना। यहाँ आओगे तो अमेरिका वाला स्टाइल दिखाओगे। कई बार नहीं होता, गांव वाले क्या जाते हैं शहर जाते हैं, और शहर से जब लौट के आते हैं तो गांव वालों से पूछते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश जान जाते हैं, पूछते बेटा व्हाट इज योर नेम, ऐसे करके नहीं उनको दिखाते, तो गुणधर्म कौन से आ गए उनके शहर वाले, क्योंकि वो शहर पे कुछ दिन क्या हो गए स्थिर हो गए, रुक गए। समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो। देखो वायु राशि पढ़ रहे हैं, वायु राशि में कुछ नहीं, वायु जितनी भी होती जितनी भी पवने सब क्या होती गतिशील होती, लेकिन कभी कभी गतिशील ना होकर स्थिर हो जाती है। देखना ये है सागर, ये महासागर है और ये स्थल है, ऐसे पवने हमेशा चलती है क्षैतिज इधर को या फिर इधर को चलती है, ऐसे बताइए ना, ऐसे तो पवन चलती संवहन ऐसे चलता है ऊपर की तरफ, हम पवनों की बात कर रहे हैं वायु की बात कर रहे हैं। ऐसे गतिशील ना होके मान लो ये यहां वाली जो पवन है ये महासागर है, ध्यान से सुनो, ये महासागर है और ये क्या है महाद्वीप, ये क्या भाग है स्थल वाला भाग, ये कौन सा भाग है जल वाला भाग, आया ना समझ में। ये जो पवने हैं ये यहीं पे रुक गए, यहीं पे रुक गए कितने, हमने मान लिया 4 घंटे के लिए ये वाली पवने यहीं पे रुकी, वहां नहीं गई, थोड़ा भी हिली डुली नहीं, वहीं पे रुक गए। अभी बताइए क्यों रुक जाती, घर्षण की प्रक्रिया वगैरह भी बताइए, यहीं पे अभी सिंपल समझो यहीं पे रुक गए, तो किसके गुण और धर्म आ जाएंगे, जल वाले गुण और धर्म आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, सागर वाले गुण और धर्म आ जाएंगे। इसके जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, इसका सागर वाला बिहेवियर हो जाएगा ना। फिर दूसरी पवने देख लेते हैं, कुछ पवने हैं जो स्थल पे ही रुक गए, स्थल पे ही रुक गए,
तो इनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? स्थल जैसा नहीं हो जाएगा? फिर सुनना, हमने कहा कुछ समय के लिए स्थिर, हमेशा के लिए स्थिर तो नहीं बोला। फिर जब कुछ समय बीत गया तो ये आगे बढ़ी और ये भी आगे बढ़ी। इसको आती है इंग्लिश और इसको क्या आती है? हिंदी आती है। इसने इंग्लिश बोला, इसने हिंदी बोला, अब दोनों का टकराव हो जाएगा। कहेगा तुमको इंग्लिश कैसे आ गई? होता है ना टकराव, कोई इंसान कहीं बाहर चला जाता है, जब वापस आता है तो वहां के गुण दर्शाने लगता है। देखो ये जल वाली पौने हैं, इन्होंने ये अगर रुकती नहीं, अगर ये जल के ऊपर नहीं रुकती और चलती रहती तो ये गुण वहां के नहीं लेती। लेकिन ये चार घंटे के लिए यहां रुक गई। हो सकता है कि एक पवन यहां चार घंटे के लिए क्या हो जाए, रुक जाए, तो स्थल वाले गुणधर्म आ जाएंगे इसके अंदर और उसके अंदर जल वाले गुणधर्म आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? पढ़ क्या रहे? एयर मास पढ़ रहे। ध्यान से सुनना, जब महासागर के सतह पर कुछ दिन तक रुक जाती है या फिर स्थल के सतह पर कुछ दिन के लिए क्या हो जाती है, रुक जाती है या स्थिर हो जाती है धरातल या महासागर पे, तो वहां के ये गुण क्या कर लेती, अपना लेती। आया समझ में? तब वह अपने पास के वायु से अलग गुण दर्शाती है। तब वह अपने पास के वायु से अलग गुण दर्शाती है। जैसे कैसा गुण गुण दर्शाएंगी? जैसे तापमान में अंतर हो जाएगा, आर्द्रता में अंतर हो जाएगा, घनत्व में अंतर हो जाएगा। थोड़ा टफ है, तापमान में, आर्द्रता में और घनत्व में अंतर आ जाएगा उस वायु में, तब उसको क्या कहेंगे? वायु राशि। आ रहा समझ में? देखना फिर से ध्यान से, अभी ये यहां पे स्थिर हो गए। महासागर पे ये पवने क्या हो गई? स्थिर हो गई। जब ये स्थिर हो गई तो महासागर वाले क्या आ गए? इनके अंदर गुण आ गए ना महासागर वाले लोग। अब ये जो आसपास की पवने, ध्यान से सुनो, जो आसपास की पवने हैं उनसे ये अलग हो जाएंगी। ये वाली पवने इन पवनों से क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। अलग कैसे? इनका तापमान अलग होगा और इसका तापमान अलग होगा, मतलब इसका तापमान सागर के ऊपर है तो कम हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता कैसी हो जाएगी? ह्यूमिडिटी कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आराम से समझ लें। घनत्व कैसा होगा? डेंसिटी कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आराम से समझ लें। फिर देखो स्थल वाले पे, ये स्थल वाली पौने जो रुक गई थोड़ी देर के लिए, स्थल पे चल नहीं रही, गतिशील होना था लेकिन गतिशील नहीं, थोड़ी देर के लिए क्या हो गई? रुक गए। तो इसके जो आसपास की पौने, ये जो इसके आसपास की पौने हैं, इनसे ये अलग हो जाएगी। हो जाएगी ना अलग? क्या क्या अलग हो जाएगा? तापमान अलग हो जाएगा। तापमान कैसा हो जाएगा? ज्यादा, ठीक है। फिर देखो ह्यूमिडिटी कैसी हो जाएगी? कम। डेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम। देखो इसका डाटा और उसका डाटा है ना, दोनों अलग अलग गुण धर्म अलग अलग दर्शाने लगेंगे। अब ध्यान से सुनना, बोला क्या था? पवनों को हमेशा क्या रहना है? गतिशील रहना है, लेकिन कभी कभी एक जगह पे रुक जाती है। किस कारण से रुकती है? उत्पन्न होने के कारक। हवाएं, ये जो हवाएं हैं कभी कभी एक ही जगह पे एकदम रुक जाती है, वहां से हिलती डुलती नहीं, किस कारण से? उसके कारण लिखो जरा, ये लिखो कारण। कारण में पहला कारण डालो,
घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल और गतिज गतिज ऊर्जा बल बराबर हो। ध्यान से सुनना, कई बार फिजिक्स में नहीं पढ़ा घर्षण फोर्स जो खुरदुरा होता है, ध्यान से सुनना, ये जो डस्टर है ये चिकना है, इस पे अगर हम मार्कर ऐसे मार्कर रफ करें तो चिकना है, आराम से रफ हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा पदार्थ होता है या कोई भी ऐसा मैटर होता जो क्या होता है खुरदुरा होता है, तो इतनी आसानी से क्या ये मार्कर रफ हो पाता, नहीं हो पाता, उस पर क्या लगता है फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। कई बार हम स्लाइडिंग वाले पे नहीं घूमते हैं, ऐसे करके स्कूलों में क्या बना होता स्लाइडर, यहाँ पे जाके ऐसे बैठ के ऐसे स्लाइड कर लेते हैं, वो किस कारण से, फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, चिकना होता है, चिकनी चीजों में फ्रिक्शन कम होता है, और इसी को इसी में कांटे रख दे या खुरदुरा कर दे तो क्या ऐसे स्लाइड करके नीचे आ पाओगे, वहीं पे रुक जाओगे, तो क्या हो गया फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया। आया ना समझ में, हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा फोर्स एनर्जी जो चलने की एनर्जी है, वो जब बराबर हो जाए फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल और गति की ऊर्जा चलने की एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाए दोनों बराबर हो जाए तब वायु रुक जाएगी। ठीक है, पहला आया कारण समझ में, अगर घर्षण बल और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर हो जाए तो वायु रुक जाएगी और क्या कहलाएगी वायु राशि। ठीक है, दूसरा लिखो कारण, वायु का वेग न्यूनतम हो, वायु की जो चलने की क्षमता है वो कम हो, किसी भी चीज की अगर क्षमता कम होगी तो वो रुका हुआ नहीं लगेगा तुमको, लगेगा इससे रुक गया, वायु का वेग न्यूनतम हो या फिर लिख सकते हो कम हो, न्यूनतम हो या कम हो तो फिर वायु क्या हो जाएगी रुक जाएगी और क्या कहलाएगी वायु राशि। क्लियर हुआ, फिर लिखना वातावरण शांत हो, एटमोस्फियर क्या हो साइलेंट हो, वातावरण शांत हो ये भी एक कारण है। फिर लिखो जगह जगह जो है समतल हो, जो सरफेस है वो समतल हो एक जैसा, उच्चावच उच्चावच बोलते हैं, उच्चावच ना हो, सतह समतल हो, उच्चावच ना हो, ऐसे में वायु रुक जाएगी। नोट डाउन करो बेटा, और वायु जब रुक जाएगी तो क्या कहलाएगी वायु राशि। क्लियर है यहां पर, फिर डालो, वास्तव में 7 प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं, कितने प्रकार की 7 प्रकार की, लिखना वास्तव में 7 प्रकार की वायु राशियां
मिलती है। वास्तव में सात प्रकार की वायु राशियां मिलती है। पहली वायु राशि लिखो, शीतकालीन ध्रुवे महाद्वीपी। शीतकालीन ध्रुवीय महाद्वीपीय। शीतकालीन ध्रुवीय महाद्वीपीय। ध्रुवीय महाद्वीपीय दिख रहा है। फिर लिखो दूसरा, ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन का मतलब जाड़े वाली क्षेत्र बता रहे, ठंडा वाला क्षेत्र बता रहे। ग्रीष्मकालीन ध्रुवीय महाद्वीपीय। शीतकालीन बोला था ना। अब लिखो ग्रीष्मकालीन ध्रुवीय महाद्वीपीय। दूसरा वाला हो गया। तीसरा लिखो, शीतकालीन ध्रुवीय महासागरीय। एक दो तीन, शीतकालीन ध्रुवीय महासागरीय। चौथा लिखो, ग्रीष्मकालीन ध्रुवीय महाद्वीपीय। यहीं पे लिख लो, ग्रीष्मकालीन ध्रुवीय। चौथे में ग्रीष्मकालीन ध्रुवीय महाद्वीपीय। फिर पांचवा लिखो, ग्रीष्मकालीन उष्णकटिबंधीय महासागरीय। ग्रीष्मकालीन उष्णकटिबंधीय महासागरीय। नोट डाउन किया। छठा लिखो, शीतकालीन उष्णकटिबंधीय महासागर। छठा शीतकालीन, नोट डाउन करो। लास्ट लिखो, ग्रीष्मकालीन उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन उष्णकटिबंधीय महासागरीय कराए ना, महाद्वीपीय डालो लास्ट में, महाद्वीपीय। ये इतने प्रकार की वायु राशि होती है, सात प्रकार की वायु राशि होती है। क्लियर हुआ? अब लिखो वायु राशियों की विशेषता। ठीक है, अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, वायु राशियों की विशेषता, वायु राशि की विशेषता, और इसके आगे पढ़ाएंगे साइक्लोन, चक्रवात। देखे नहीं है, कई चक्रवात आते हैं जो मोटरसाइकिल और बड़ी बड़ी कारों को उठा के ले जाते हैं, वैसे पढ़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद शुरू करेंगे ओशियनोलॉजी। क्लियर हुआ?